हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक पंकज गेमिंग आर चैनल। और आज फिर से खेलेंगे फार्मिंग सिमुलेटर 19 और मैप का नाम है बाल्टिक्स या मैप, आपको पता ही होगा भाई। तो अभी फिर से बता देता हूँ, बाल्टिक्स या मैप का नाम है ये जो अभी हम गेम प्ले बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर भी हम इंडियन मोड चैलेंज प्ले करेंगे और मैंने इसकी एक या दो वीडियो भाई दो डाल दी हैं, आप देख लेना जाके। दो वीडियो पहले से मैंने अपलोड कर दी है, तो पिछले कल की थी और ये आज तीसरी है। तो न्यू हॉलैंड भाई आज मैं लेके आ चुका हूँ एक ट्रैक्टर जो मैंने सेल कर दिया था। एक मिनट आपको दिखाऊँ तो अपने स्टोर में, तो आपकी डिमांड मैंने पूछा था आपसे भाई कौन सा ट्रैक्टर लिया जाए, तो आपने बताया था कि न्यू हॉलैंड सबसे ज़्यादा बोर्डिंग इसकी को पड़ी थी। तो फिर मैंने न्यू हॉलैंड लाया भाई। यहाँ पर था जो मैसी ट्रैक्टर था, पहले मैसी ट्रैक्टर था तो उसको सेल करके हम लेके आए हैं न्यू हॉलैंड। अभी ये रह गया भाई डिजिट फेहर भाई, कौन सा 374 कौन सा, नहीं भाई फेंडेड है मेरे ख्याल से, हरे कलर का भाई फेंडेड है। हाँ भाई फेंडेड सामने लिखा है। तो इसी को भाई अभी इसकी बारी, अब कल फिर से पूछूंगा आपसे तो बता देना भाई। न्यू हॉलैंड नहीं होगा ऑप्शन में, तो न्यू हॉलैंड ले आए भाई एकदम मॉडिफाइड फूडी करा के सब कुछ ओके कंडीशन में। भाई देख लो सिलेंसर, देख लो भाई बड़ा बड़ा लगाया। तो आज हम जाएंगे भाई अपनी फसल काटने। एक मिनट आपको मैं दिखा दूं, तो नंबर 17 जो हमारी फसल है भाई, जो बीट है जो कि पक चुकी है भाई एकदम मस्त तरीके से। अभी इसको काटना है, क्यों काटना है, क्योंकि भाई एक मिनट दिखाऊं, 855 भाई पता नहीं कहाँ खड़ा है। तो हमने भाई कल किया था घास वगैरह इकट्ठा अपने खेत से, तो सभी इकट्ठा कर लिए यहाँ पे भाई, ढेर लगा दिए धक्का धुक्का दे के, यहाँ से हटा के यहाँ पर साइड के नीचे कर दिया भाई बारिश से बच जाए। तो ग्रास का काम भाई इसलिए हमने, क्योंकि हम भी हमने जो जानवर यहाँ पर पालने हैं भाई एनिमल्स, तो उसके लिए चारा चाहिए। तो घास तो हम डाल सकते हैं, एनिमल्स रख सकते हैं भाई, कुछ दिन ही चलेंगे यार फिर घास, आपको पता ही है ज़्यादा जानवर रखेंगे भाई, साइड देखो कितना बड़ा है। तो इस बार 10 भाई गाय रखेंगे, तो 10 का आएगा भाई 7 दिन निकलेगा, उसके बाद फिर कहाँ जाएंगे। अगर भाई तूड़ी वगैरह होगी तो मिक्स करके भाई डाल सकते हैं आप, और टाइम भी निकल सकता है आपका ज़्यादा। तो साइलेज भी बनाएंगे, साइलेज की भाई, साइलेज के बिना भी जानवर खा लेते हैं, साइलेज की जरूरत तब पड़ती है भाई TMR फूड बनाने के लिए, ये मशीन है भाई। साइलेज की तब जब जरूरत पड़ती है भाई, जब TMR फूड बनाना हो। तो कंपाइन वगैरह रेडी करके रखी हमने, तो HIND 99 कंपाइन है। और कुछ लोग हो रहे हैं भाई प्रीत भी लो, तो अपने भाई जितना बड़ा बजट नहीं है प्रीत भी लें। तो हिंद की काफ़ी डिमांड थी और हमने हिंदी भाई की यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे। और न्यू हॉलैंड का वो लेके जाएंगे भाई अभी फील्ड अपना काटने। तो ये है अपनी ट्रॉली, तो ये छोटी ट्रॉली लेके जाएंगे, कोई बड़ी ट्रॉली लेने की जरूरत नहीं भाई, उसमें आपको पता ही है रेत रेत भरा है, वो देखो सामने लगी अपनी ट्रॉली, तो भाई ऊपर रेत लगा, रेत से भरी है। अरे यार ऊपर से देखो, तो अभी इसको अनलोड करना पड़ेगा भाई कहीं। चलो भाई न्यू हॉलैंड पर चलते हैं। और भाई आज की स्मूथ वीडियो बन रही है कि नहीं बताना कमेंट में। पहले भाई मैं 24 FPS पे बनाता था, अभी मैंने 30 FPS कर दिया, 30 FPS 30 30 भाई बोलने में नहीं आ रहा भाई, 30 FPS पे बना रहा हूँ अभी। तो छोटी ट्रॉली लेते हैं यार इसको, क्योंकि माल तो भाई खेत कम से कम 2 कनाल जगह होगी। तो पहले तो हम देखते हैं भाई हिसाब किताब लेके चलते हैं अपना कंबाइन को। कंबाइन ये की स्टार्ट, तेल पानी भाई भाई सब कुछ चेक किया कंबाइन का, अभी निकलते हैं। ओके चलो भाई, तो रास्ता तो आपको पता ही है भाई टूटा हुआ अपना यहाँ का। एक मिनट यार इसकी स्पीड कर लेते हैं भाई कम थोड़ी सी, अभी तो बढ़ाएं भाई इसकी स्पीड। स्पीकर वगैरह सब कुछ फिट किया भाई एकदम प्रॉपर, पर अभी लगाना नहीं भाई। यहाँ पर पानी वगैरह भाई काफ़ी गहरा है यहाँ पे। लो भाई, ओ भाई ओ गड़बड़ हो गई थी, चल मैं तो उतर गया भाई। कंबाइन को रेस पे बांध दिया है, पीछे देखना पड़ता है भाई। अरे ये क्या हो रहा है, लग गया। ओ भाई कटर हवा में, कटर तो हवा में आ गया भाई, अच्छी बात है भाई हवा में, नहीं तो पानी में गीला हो गया तो भाई काम खराब हो जाता है। अभी घुमा ले यार कंबाइन को, देख लो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, इतनी बड़ी है ना भाई कहीं से भी निकाल लो। तो अभी डालते हैं भाई टॉप गियर इसका, 70 की स्पीड में भागेगी भी वो भाई, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, आउट ऑफ कंट्रोल। तो
कुछ बोल रहे हैं भाई प्रीत कंपाइन भी लो भाई, अपना बजट कम है थोड़ा सा। अब प्रीत कंपाइन तब लेंगे भाई जब तक चार पैसे होंगे। हिंद कंपाइन भी सही है यार, सब काम करती है भाई। प्रीत का बस नाम है भाई, प्रीत का ब्रांड। तो अपना फील्ड आपको दिख रहा होगा सामने है भाई, वो मंडी के पास ही है देखो। और यहाँ से भी रास्ता टूटा ही होगा भाई, हम बजरी लेके रेता लेके आए थे तो देखा ही होगा आपने। इसकी ब्रेकिंग सही नहीं है कंबाइन की, लग नहीं रही अच्छे से। लग रही है पर बहुत जल्दी लग जा रही है। ये देखो अभी रुक गई, कोई कंट्रोल वगैरह छेड़ दिया मैंने मुझे लग रहा है। तो इसके आगे भाई पानी वगैरह, समुंदर का रास्ता है, समुंदर ही जहाज जाते हैं। हमने सामान वगैरह भेजना है कुछ भी, कंटेनर वगैरह, तो यहाँ से। अरे अरे यार वैसे ज़रूरत तो भाई थी यार, ट्रैफिक मैंने बंद किया भाई कल से, लोगों का आना जाना बंद हुआ है। अभी चल रहे हैं क्या, एक मिनट देखो, आ रहे हैं, गाड़ी नहीं आ रही है कोई, देखो तो आ रही भाई सामने गाड़ी। चलो भाई निकलो, अभी एक एक करके निकल जाओ। चलो फिर हम भी चलते हैं अभी। कंपाइन यार कुछ ज़्यादा बढ़िया भाई, देखो ओ तेरे के आगे भी भाई, देखो क्या हालत हुई है। तो कटर भाई कहाँ लगाएंगे यार, यहाँ जगह है इस तरफ यार। एक तो बोझ प्रॉब्लम, ये भाई जगह है क्या यहाँ पर लग जाएगा? नहीं भाई जगह नहीं है, कम जगह है। और कंबाइन को घुमा के भाई कटर इस तरीके से लगाना पड़ेगा, तो फिर कंबाइन को खेत में घुसाना पड़ेगा। और खेत में घुसाएंगे तो लोगों के भाई गालियाँ सुननी पड़ेगी। देखते हैं भाई यहाँ से तो निकल जाएगी, मैं तो भाई आंखें बंद करके निकालूँ। पर अभी कटर डालना यार, जगह देखनी, मैं आया नहीं भाई पहली बार। अरे यार अपना खेत में भाई लकड़ियाँ भी पड़ी हैं पीछे भाई खेत में यार। अगर मैं घर से कटर डाल के आता तो भाई कटर नीचे लग जाता, यहाँ पे लग जाता। तो कटर तो भाई यहाँ पर डालना ही पड़ेगा मुझे, देखने दो हिसाब किताब। ये काफ़ी जगह है यहाँ पे भाई, मंडी में काफ़ी जगह। हाँ यहाँ सही है, तो थोड़ी सी कंपाइन को यहाँ पे ले आएंगे भाई, सुरक्षित भी है। और यहाँ पे कटर डाल के लाता तो एक ही प्रॉब्लम थी भाई, कंपाइन काफ़ी गहरे में जानी थी टायर इसके, तो और अगला कटर जो नीचे लग जाना था और बस टूट फूट हो जानी थी कोई ना कोई। तो अच्छी बात है भाई हमने नहीं लाई है, कटर साथ में ले गए हैं। चलो इसको डाल दें पहला लो, इसको तो ज़रूरत नहीं है भाई, चाहे चौथे में लो में निकाल दो, पर झटका लगेगा भाई कंबाइन को, फिर प्रॉब्लम होगी। क्योंकि क्लच प्लेट भी भाई नाम की क्लच प्लेट है, काम तो भाई कोई करती नहीं है, सीजन में तो टूट ही जाती है भाई पाँच छः बार। ऐसे नहीं टूटेगी पर अगर आप भाई चढ़ाई चढ़ाई में चढ़ाओगे भाई फुल, देखो भाई कटर फिर हवा में अपना। तो कटर को डाल के लाते हैं यार, वहाँ पर जगह ही नहीं है यार यहाँ पे। ओ ओ ओ, ओ, ओ भाई तो स्मूथ भाई गेम स्मूथ चल रही है कि नहीं कमेंट में बताना। मैंने आज 30 FPS पे जो गेम रन कर रहा हूँ, और काफ़ी पूछा जा रहा है भाई कब मोड़ दोगे, तो मैं दो चार दिन में आपसे वादा करता हूँ भाई इनका मोड़ दे दूँगा, हिंद या कप्रीत का एक का दे दूँगा दोनों से, बाकी बाद में देखेंगे। कंट्रोल एस क्यू, चलो भाई खुल गया। तो इसका एक फ़ायदा है भाई ऑटोमेटिक है, जो कटर लग जाता है किसी दूसरे आदमी की जरूरत तो नहीं पड़ती है। कटर है कहाँ ये यार, थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा है भाई, इसकी ब्राइटनेस 5 पे कर लेते हैं कि मुझे भाई दिख रहा है। मेरी स्क्रीन मुझे ऐसे क्यों लिख रही है, मैं कुछ ज़्यादा पीछे बैठा हूँ उसी वजह से होगा। लो भाई कटर लग गया अपना। अरे यार गेट से निकल जाएगा ना, अरे यार यहाँ से निकलेगा कि नहीं। कटर को नीचे कर लेते हैं, निकल जाएगा भाई, दूर से देखने में लग रहा है तो छोटा है रास्ता। पर नहीं कंपाइन का जो टायर है भाई पीछे पीछे वाले घूमते हैं, इसलिए थोड़ा सा हमें कटाई नहीं करनी चाहिए कंपाइन की, पास से मोड़ना चाहिए। लो भाई ये अपना खेत है छोटा सा, यहाँ से स्ट्रो निकल जाएगी अपने जानवरों के लिए अच्छी खासी। और भाई यहाँ पर से भी रास्ता है,
कर पाता नहीं भाई, दलदल वगैरह या कुछ ना हो ऐसा। चलो हम अपने रास्ते से चलते हैं, जो कि हमारा मेन है। यहाँ से निकलेगी क्या? यहाँ पे भाई लक्कड़ वगैरह लगाए हैं लोगों ने। लोगों ने तो नहीं लगाए भाई, मेरे मतलब कि लगाए उन्होंने, मैं खेत बाई किया है, ये नहीं निकलेगा भाई। वही रास्ता था, कटर मैंने नीचे कर दिया है, अभी कटर उठाऊंगा भी मैं। देखने में तो लग रहा है निकल जाएगी यार, ये गई गई गई, निकल जाएगी निकल जाएगी, निकल गए भाई। ऊपर से दिखने में लग रहा था भाई फंस जाएगी। लो भाई चल भाई, ये अपनी है भाई कणक, इसको बोलते हैं बीट। बीट तो बीट स्ट्रो गिर रही है ना भाई प्रॉपर, क्योंकि हमें स्ट्रो की ही ज़रूरत है। और पाइप कर लेते हैं बाहर। अरे यार फोरन लगाना, तो जल्दी जल्दी काटते हैं हम अपनी फसल। और तूड़ी तो भाई कल ही बनाएंगे, आज तो टाइम नहीं लगेगा तूड़ी का, क्योंकि आज FPS भी बढ़ाए हैं मैंने गेम के, और उससे क्या होगा भाई, काफ़ी बड़ी GB की बन जाएगी गेम, तो इतनी बड़ी GB भाई अपलोड करना मुश्किल है, साउंड कुछ ज़्यादा है। मुझे भाई सुनाई नहीं देता ना, इसलिए सुनाई नहीं देता मतलब कि गेम में कम लगता है साउंड, आपको ज़्यादा सुनेगा इसी वजह से। अरे यार मैं काट कैसे रहा हूँ, स्ट्रो भाई इकट्ठी करनी है। चलो यार कोई नहीं, वो इस हिसाब से काटनी पड़ेगी कि स्ट्रो भी इसकी आराम से इकट्ठी हो भाई, कोई दिक्कत ना हो। खेत तो और सही है भाई, ज़्यादा है भाई, मैंने सोचा तो छोटा भाई, ये तो चार कनाल जगह लग रही है, देखने में लग रही है, लंबाई में काफ़ी कुछ ज़्यादा ही है। तो दो ट्रॉली निकल जाए बहुत है भाई तूड़ी की अपनी यहाँ से, तो कल कल ही क्या भाई, आज ही निकाल लेंगे, पर वीडियो का सेकंड पार्ट बनाना पड़ेगा। 18% भाई बीट कुछ ज़्यादा निकल रही है यार, उसकी टंकी तो भर जाएगी, दो बार भर जाएगी मेरे ख्याल से। तो बीट भाई स्ट्रो कम गिर रही है, पता नहीं क्यों, स्पीड ज़्यादा होने के कारण लग रहा है मुझे। यहाँ पर तो ढेर लगा है भाई, देखो ये उठा दिया लिफ्ट। श्योर हिंद की क्वालिटी है जो भाई कंपनी की मुझे हर बार पसंद लगती है भाई, इसलिए पसंद लगती है, क्वालिटी है जो काफ़ी बेहतर है भाई भाई बाकी कंपनियों से। अभी मेरा भाई ये मन कर रहा है कि मैं ही विशाल कंपाइन भी बनाऊं, 435 है ना। हाँ तो आप चाहो तो इसका भाई वो भी कर सकते हो, तूड़ी बना सकते हो, पराली भी घर को लेके जा सकते हो। तो तूड़ी बनाएंगे हम, देख लेंगे, तूड़ी वाली मशीन भी लेनी पड़ेगी। अपना बिजनेस भाई, खेत अपने ही यार, अपना काम ही नहीं ख़त्म होगा लोगों का तो क्या करेंगे यार, बताओ, अपना बिजनेस ही बढ़ाएंगे यार अभी, अपने जितने भी खेत होंगे भाई। तो कुछ लोग बोल रहे थे भाई दूसरे गेम प्ले मज़ा आ रहा था वो दूसरे मैप में, तो यार वो गेम काफ़ी लैग कर रही है भाई, फिर कुछ लोगों के कमेंट आएंगे भाई हैंग कर रही है, तो लैग कर रही है, हैंग कर रही है, तो इसी वजह से मैंने भाई उसको छोड़ दिया। अभी बनाना बनाऊंगा बीच बीच में भाई, वो वहीं से स्टार्ट कर दूंगा जहाँ से ख़त्म की थी, उसका कोई आप टेंशन ना लो भाई, बस कल ही बना दूंगा उसकी भी अगर सही चला तो। इसमें देखो भाई मक्खन की तरह चल रहा है सब कुछ, ओ भाई मुझे नहीं भाई सही है। कट्टर की हाइट यार छोटी है भाई कंबाइन की, पर अभी इंजन भी भाई छोटा, अब क्या करें, इसका इंजन भी भाई बड़ा करना पड़ेगा, अगर कट्टर बड़ा करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी इंजन भाई, फिर तो भाई इसका गियर बक्सा भी चेंज करना पड़ेगा। स्ट्रो भाई ऐसे फेंकनी है कि मतलब कि दिक्कत ना हो उठाने में थोड़ी वाली मशीन को, तो बराबर होनी चाहिए भाई, कोई यहाँ पर नहीं यहाँ पर नहीं। तो अभी यहाँ से खाली निकलते हैं और यहाँ से काटते हैं भाई, अपना कोई प्रॉपर अड्डा नहीं भाई कैसे काटना। अब ऐसा करते हैं भाई कोने कोने में पकड़ते हैं, कोना पकड़, और इसकी स्पीड मैं बांध देता हूँ यार 20 पे बांध देता हूँ,
नहीं तो भाई कभी इधर कंट्रोल में नहीं जाएगी, कभी इधर। अभी धीरे धीरे पकड़ रही है स्पीड, अभी सही हो भाई। इस तरफ तो यार खाई है भाई। एक मिनट यार, ये सड़क कैसी है ऊपर से? ओ भाई यहाँ से तो यार बच गए भाई, पर इतनी भी नहीं है भाई खास। कंबाइन पलट सकती है पर इतनी भी नहीं है भाई। बस यहाँ से अगर जगह बैठ जाती फिर प्रॉब्लम होना। तो ये क्या हो गया? यहाँ पर चढ़ाई है भाई, चढ़ाई है और पत्थरी भाई, पत्थरी है यार इस खेत में भाई ज़्यादा। इसका भाई लेवल करना पड़ेगा। देखो भाई पत्थर है इस खेत में ज़्यादा। देखो लोगों ने पेड़ काटे हैं भाई, जड़े भी नहीं काटी है देखो। और किया क्या भाई? अच्छा पेड़ के ऊपर पेड़ लग रहे हैं। मैंने सोचा भाई कुल्हाड़ी इधर ही छोड़ गए हैं। तो अपने खेत में भाई दो दिन पेड़ हैं, छांव वगैरह है, यहाँ पर बैठेंगे भाई। देखो धूप वगैरह से, धूप वगैरह छांव वगैरह का भाई मज़ा ही लग गया खेतों में। वो भी भाई एक मंजा लाएंगे भाई, मंजा लगा के बैठेंगे देसी स्टाइल में। जब आएंगे भाई अपना ये करने क्या बोलते हैं भाई, रोटावेटर करने भाई, सीड वगैरह यहाँ पर लगेगा ना पूरा दिन। तो लेके आएंगे मंजा, फसल लगानी हो जब जब यहाँ पे। इस पर बीट ही अच्छी होगी भाई, बीट ही होगी। राइस तो नहीं हो पाएगा भाई यहाँ पर, जो कि फसल भाई देख सकते हो क्या हालत है फसल की। जगह भाई प्रॉपर सही नहीं है। लेवल होता तो भाई पानी है जो अंदर बाहर नहीं जाता अगर लेवल होता तो। ये लेवल नहीं है ना ज़मीन भाई, पानी अंदर रहेगा नहीं भाई फील्ड में, एक तरफ चला जाएगा सभी। और पानी की सुविधा तो देख लो भाई, नहर पास में ही है तो जब मर्जी भाई नक्का तोड़ो पानी लगाओ। पर लगेगा नहीं भाई क्योंकि अपना खेत करना पड़ेगा भाई राइस के लिए सेट बैठ, मिट्टी वगैरह डाल के भाई इसको लेवल करना पड़ेगा ऊंचाई वगैरह देखकर। तो लेवल तो ऊंचाई हो, ऊंचा हो सकता है भाई खेत, नीचा नहीं हो सकता क्योंकि इस साइड ऊंचाई ज़्यादा है। तो हम ऊंचा कर सकते हैं खेत को, लेवल इस लेवल पे ला सकते हैं भाई। 70% टंकी भरी नहीं इसकी, इसकी मैंने कैपेसिटी बढ़ाई है दोस्तों। तो पिछले वीडियो दूसरे मैम में तो भाई भर जाती थी, वो कैपेसिटी बढ़ाई है। और ये भाई बीज भी हो रहे हैं, भाई ये स्क्रीनशॉट का याद भूल जाएगा मुझे। तो फील्ड यहाँ से भाई अपना जो पशुओं का हो जाएगा भाई, चारा वगैरह सब कुछ। काफ़ी बड़ा खेत भी है। और भाई चल यहाँ पर तो लोगों का अगर सीजन लगाना हो तो भाई प्रीत हिंद से कुछ काम नहीं चलेगा। बड़े बड़े कटर वाली कंपनी जाइए, या तो इनका इंजन चेंज करवाना पड़ेगा क्योंकि खेत भाई इतने बड़े बड़े हैं ना, तो एक ही खेत में दो दो दिन लग जाने वाले हैं। और वीडियो भाई एक खेत में फिर एक नहीं बनेगी, तो उसके लिए जल्दी काम होने के लिए भाई कटर इसका बड़ा करवाना पड़ेगा, इसी को बड़ा करवाना पड़ेगा। और इंजन भाई बड़ा रखवाना पड़ेगा, इंजन और कटर। अगर कटर बढ़ाना है तो भाई इंजन कम से कम 200 हॉर्स पावर का होना चाहिए, और तेल की खपत भी भाई ज़्यादा होगी फिर उसमें। तो अभी तो 101 हॉर्स पावर का है, तो ये कटर भी भाई देखो 14 फुट का है, तो डबल भाई लगा सकते हैं। 14 28 फुट का भाई, 28 का ज़्यादा हो गया भाई। देखेंगे भाई ज़्यादा वाले कितने, 150 हॉर्स पावर में अगर हो जाएगा भाई, इससे भी थोड़ा सा लंबा कटर मेरे ख्याल से कम भाई 20 फुट का कटर होना चाहिए, 20 फुट का कटर होना चाहिए कंपनी को 150 हॉर्स पावर में। 150 हॉर्स पावर करवा लेंगे भाई इसका इंजन, क्योंकि पुराना मशीन का भाई इंजन है इसका, इसका इंजन चेंज करवा लेंगे कोई चक्कर नहीं। नहीं तो भाई दो रखवा लेंगे ऐसे एक इसके पीछे रखवा लेंगे, पर वो बात नहीं बनती यार, दो इंजन से भाई बात नहीं बनती है। एक दो सिलेंडर हो, दो सिलेंडर नहीं भाई, एक ही एक के अंदर ही भाई सिलेंडर लगे हो फिर बात बनती है। ऐसे भाई ये बन जाएगा 6। अरे भर गई टंकी, अभी आएगी अपनी
एक मिनट इसको कर लें पीछे, आवाज़ तो भाई जल्दी भर गई। इसको लगा लें यहाँ से यहाँ तक, और इस तरफ कर लेते हैं मुंह इसका, इसको स्टार्ट ही रहने देते हैं और चलते हैं भाई अपना न्यू हॉलैंड। कहाँ है न्यू हॉलैंड? अरे यार सोफा से मुँह पर लगा भाई, साइड में लगा है, कल का वहीं पर खड़ा है। मैं फिर वहीं आ गया, मर्सिडी, ये है न्यू हॉलैंड। इसकी लाइटिंग देख लें यार, कंपनी वालों ने सब कुछ फिट फुट करके दिया है कि भाई ऐसे भेज दिए? नहीं नहीं सब कुछ ओके। रिम भाई हमने स्टील वाले डलवाए हैं, स्टील वाले क्या बोल सकते हैं भाई, स्टील वाला कलर, सिल्वर कलर। ये निकल गया निकल गया निकल गया भाई, ट्रैक्टर तो निकल गया आराम से, कोई चक्कर नहीं भाई। स्टेयरिंग देखो कितना जबरदस्त भाई, ट्रक वाला स्टेयरिंग है। स्पीड भी कम है यार इसकी, 50 की है दोनों ट्रैक्टर की भाई, 855 भी 50 की स्पीड है। ये स्पीड जो सबसे बेस्ट स्पीड है ना, ट्रैक्टर आउट ऑफ कंट्रोल होगा। 100 की स्पीड रखोगे तो भाई फिर काम ख़राब हो जाएगा अपना, ट्रैक्टर कभी इधर भागेगा कभी इधर भागेगा। अपनी कंपनी दिख रही है वो देखो भाई खड़ी है। तो आज की वीडियो में तो भाई यही होगा, कल की वीडियो में तूड़ी बनाएंगे, तो तूड़ी वाली मशीन और एक ट्रॉली बहुत है यार, एक तूड़ी वाली ट्रॉली उसको ही गेड़ा लगाएंगे यार, क्योंकि इतना तो भाई हमने बिजनेस करना नहीं है। अरे यार ये क्या हो गया, अरे गेम को क्या हो गया भाई यार, अभी चल रही है लैग कर रही है ये भी, न्यू हॉलैंड से तो नहीं लैग कर रही है कहीं यार। चलो न्यू हॉलैंड को घुमा लें, अभी सही चल रही है, 50 FPS दे रही है भाई। दूसरे मैम में भाई 5-10 FPS ये लगा दिया उन्हें बैक करके भाई। ओ तेरी गो भाई, अरे यार ये हो क्या रहा है। अभी हम ट्रैक्टर को तो बंद कर दिए भाई, अभी हम डालते हैं कंबाइन पर चढ़ के माल। उसकी पाइप कुछ ज़्यादा ही भाई दूर है, पता नहीं लगा भाई पाइप कहाँ है। सिंगल टायर ट्रॉली जल्दी फंस जाती है यार, माल ढल नहीं रहा यार, कमाल की बात है। हो क्या रहा है यार ये, इस तरफ तो निकल रहा है यार यहाँ से। ओ ओ ओ ओ ओ ओ भाई बाहर गिर गया, बाहर गिर गया, बाहर गिर गया, अपना नुकसान हो गया। ऐसे नहीं होगा भाई कुछ भी, ट्रॉली में माल नहीं गिर रहा यार, पता नहीं क्या बात है। भाई ये बीट सपोर्ट करती कि नहीं ट्रॉली, ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है यार एक मिनट यार, ट्रॉली तो मैंने यार सही बाई की, ये भाई सभी फसल है यार यहाँ पे तो। फिर माल डल क्यों नहीं रहा यार, यार एक मिनट यार एक मिनट देखो तो। नहीं यार ये फिर भी नहीं गिर रहा भाई माल, पता नहीं क्यों यार। इसके ट्रॉली को बदल के लाना पड़ेगा मुझे लग रहा, इसका भी कुछ मरम्मत करवानी पड़ेगी।
तो दूसरी ट्रॉली लानी पड़ेगी यार, इसमें पता नहीं क्या सिस्टम है यार। एकदम प्रॉपर है यार सब कुछ, ट्रैक्टर की वजह से तो नहीं हो रहा है कहीं। चलो देखते हैं वहाँ पर जाके यार, दूसरी ट्रॉली में भी अगर ऐसा हो रहा है प्रॉब्लम फिर देखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। दूसरी ट्रॉली में भाई रहे तो उसको हम ज़मीन पे ही गिरा लेंगे, और अभी ज़रूरत तो है नहीं भाई, मिस्त्री वगैरह मिले नहीं अभी। ओ, ओ भाई ओ, ओ, ओ बच गया बच गया बच गया मैं। साइलेंसर भाई इतना बड़ा दिख नहीं रहा है, गाड़ी आ रही कि नहीं ये। तो इसको लगा दें यहाँ पे यार, और रेत करते हैं भाई खाली वरना। ओ भाई दूध की मशीन में घुस गया, रेत हम बाहर गिराते हैं यार यहाँ पे। अब न्यू होलैंड पता नहीं भाई खींचेगा कि नहीं खींचेगा। ले गया भाई ले गया, न्यू होलैंड ले गया, रेत की ट्रॉली ले गया भाई। ये, ये, ये। उठ गया उठ गया। बस 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 यहाँ पर ढेर लगा लेते हैं भाई रेत का। ओ भाई उठ गया ट्रैक्टर भी साथ में, वो ट्रॉली भाई उठ गई अपनी, वो ढेर लग गया यार इधर। ओ भाई इसका तो लिफ्ट यार नीचे लग गई है, ये हो क्या रहा है। अच्छा भाई इसका डाला जो नीचे चला गया है, नीचे चला गया। नहीं 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 फंस गया भाई ट्रैक्टर। एक मिनट यार हो क्या रहा है भाई, रेत ये लगाया जोर। ओ तो अभी तक तो आधी भी खाली नहीं हुई और अपनी ट्रॉली उठ गई भाई आगे से। अभी हम थोड़ा सा भाई झटका लगा के रखेंगे इसको, ये फिर उठने लग पड़ी। ये उठ गई, ये हो क्या रहा है यार पता नहीं। बहुत है भाई ज़्यादा रेत हम नहीं डालेंगे भाई। चलो अपना ट्राला भाई खाली हो गया, तो रेत हम कल भाई क्या करें यार, रेत का भी भाई अब ये उसको भी साइड में करना पड़ेगा फिर से। तो तूड़ी वगैरह भाई कल ही बनाएंगे यार, कल टाइम लगेगा तो आज तो देख लो भाई इसी चक्कर में कितना टाइम ख़राब हो गया अपना। ये रोड में भी फसल लग गई है भाई देखो। इसका यार पाइप का प्रॉब्लम पहले भी आ रहा था यार, अभी पता चल जाएगा भाई ट्रॉली की प्रॉब्लम है या मशीन की प्रॉब्लम है। ये तो भाई काफ़ी बड़ी ट्रॉली है यार, ये तो आधी भी नहीं भरी है। ये देख लो यार, अभी मैं इसका क्या इलाज करूं। ना तो भाई इसमें आ रही है ना इसमें आ रही है। यार एक मिनट, ट्रैक्टर का भी कोई फायदा नहीं हुआ भाई, मंडी अपनी इधर ही है यार भाई पास में ही। तो यार क्यों अभी झंझट मोड़ लेना भाई, मंडी में निकलते हैं भाई, वहाँ पर ही बेच देते हैं, सामने मंडी है भाई। अब पता नहीं क्या मुसीबत है यार इनकी, ये भाई कुछ मोड़ होते हैं यार बिल्कुल सत्यानाश कर देते हैं गेम का।
लो भाई कंबाइन भी फंस गई अपनी। देखेंगे भाई अब अगर अपना मंडी में उतर गया माल तो फिर सही है, नहीं तो फिर खेत में उतारना पड़ेगा। ये यहाँ से इसकी पाइप आई जाएगी मेरे ख्याल से। हाँ भाई अपना सिस्टम काम कर गया तो पैसे मिल रहे हैं अभी, जो माल है वो डायरेक्ट मंडी में, ट्रॉली की जरूरत ही नहीं पड़ी। अपनी वीडियो कितने मिनट के बन गए यार, एक मिनट देखूं, 31 मिनट की हो गई भाई, जल्दी से ख़त्म करें यार। 31 मिनट की वीडियो बन गई है। और जो भी बची है फसल बाकी भाई इसको ये ऐसे ही सेल कर देंगे यहाँ पे ही, जरूरत नहीं भाई ट्रैक्टर की टंकी में डालने की। अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यार, उस मैप में तो प्रॉब्लम नहीं थी, इस मोड में मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम है भाई। ये भाई कंपाइन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, अभी देखना पड़ेगा। दो दिन गेड़े रह गए हैं, उसको लाने के बाद भाई करते हैं गेम का एंड। और स्ट्रात अपने पास भाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है, खेत का भी प्रॉब्लम हो सकता है भाई, खेत में माल नहीं गिर रहा है, बाहर जाके शायद गिर जाए। अभी तो भाई टाइम नहीं अपने पास, अभी जल्दी जल्दी काटें, वीडियो भी काफ़ी लंबी होगी। ट्रैक्टर ने काफ़ी टाइम में अपना खराब कर दिया। तो एक गेड़ा और रहेगा भाई, बस उसके बाद ख़त्म अपनी फसल। तो ये थी जो फसल हमारी जो भाई बीट लगी। अरे यार आज फिर आ गया, तो यही थी जो हमने फसल लगाई थी, साथ में मिली थी भाई बीट, और तो नहीं है भाई बीट और भाई कॉर्न वगैरह है, उसका साइलेज बनाएंगे, उसकी जरूरत नहीं हमें उसकी भाई। चार बनाएंगे उसका, मक्की का चार चार। लो भाई ख़त्म हो गया, और इसमें तकरीबन 18% मिल गया माल और 18, तो इसको ऐसे ही सेल कर देते हैं जैसे पहले की थी। अरे कंबाइन को लगा लें खेत वहाँ पे, अभी देख लेते हैं अगर आता है माल तो। नहीं नहीं भाई नहीं आ रहा है, तो ठीक है फिर भाई मिलते हैं, अभी इसको ऐसे सेल करना जैसा अभी आपने देखा था, तो मिलते हैं जल्दी को नई वीडियो लेके। तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।